लड़के को खुद का फ्रीडम दिखाओ, उसे दिखाओ आप कितनी मजबूत हो। फ्रीडम में रहने वाली लड़कियां लड़कों को ज्यादा आकर्षित करती है। अगर आप सोचते हैं हर वक्त लड़के से चिपके रहना कारगर साबित होगा तो आप गलत हो, आपको फिर से सोचने की जरूरत है। देखो, जरूरी नहीं कि आप हर वक्त अपने बॉयफ्रेंड के आसपास ही घूमते रहें, अपना काम भी करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना काम खुद करें। हर काम के लिए बॉयफ्रेंड को बोलना सही नहीं, लड़के को लड़कों जैसा और लड़कियों को लड़कियों जैसा रहना चाहिए। हमेशा आपको बराबरी का लेवल बनाकर रखना होगा, बॉयफ्रेंड के ऊपर या खुद को बहुत नीचे नहीं ले जाना है। खुद के लाइफ को एक्साइटिंग बनाएं, लड़के को अच्छा लगेगा कि आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करती हो। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग जैसे हॉबीज लड़कों को बहुत पसंद होते हैं। लड़की को अच्छा लगेगा कि आप उनके लिए कुछ डेडिकेट करें, हेल्प करें। देखो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन कितना मजबूत है, हेल्प की जरूरत सबको पड़ती है। अगर कभी उनको हेल्प की जरूरत पड़े तो आगे बढ़कर उनकी हेल्प जरूर करें। खूबसूरत दिखे, ज्यादातर लड़कियां रिलेशन में आने के बाद पहले जैसा सजना सवरना बंद कर देती है। नहीं, तुम्हें हमेशा उनके साथ वैसे तैयार होकर जाना है जैसे उन्होंने पहली बार तुम्हें देखा था। बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए अपने फ्रेंड्स में बिजी ना हो जाओ। मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां खुद को इम्पोर्टेंट प्रूफ करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को जलाते हैं, ये गलत है। जलाने के यूज तुम्हें तब करना है जब आप दोनों में दूरियां बढ़ गई हो। जलन को हथियार की तरह सोच समझ कर इस्तेमाल करो। देखो, लड़का जब तक आपका बॉयफ्रेंड नहीं है तब तक लड़के को बोलने दो, लड़के को ट्राई करने दो आपको इम्प्रेस करने की। लेकिन जब लड़का आपका बॉयफ्रेंड बन जाए तो बातों का सिलसिला अपने हाथ में रखो, आपको ही बात करना चाहिए या उनसे उनका सजेशन लो इस बारे में आप क्या सोचते हो। आप जो है खुद को वही बना कर रखें, रिलेशन में ईगो नहीं आना चाहिए। सिर्फ लड़कियों की स्वीट वॉइस इतनी ताकतवर होती है कि वो किसी भी लड़के को दीवाना कर दे। स्वीट वॉइस में बात करो, लड़कों का दिमाग डार्क कलर पसंद करता है, रेड, ग्रीन, ब्लैक ये बेस्ट चॉइस है। रिस्ट पर घड़ी या बैंड पहने ये लड़कों को अट्रैक्ट करती है। कलाई में चूड़ी, कानों में झुमके और पैरों में पायल की आवाज किसी भी लड़के को दीवाना कर सकती है, वो अलग दुनिया में खो जाते हैं। चेहरे पे कॉन्टैक्ट मेकअप करें, माथे पे बिंदी, हथेली पे मेहंदी, हाथ और पैरों के उंगलियों में नेल पेंट का यूज करें। हाँ, लड़कियों का हेयर स्टाइल भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इन सभी के साथ चेहरे पे स्माइल होना बहुत जरूरी है।